हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज्वेलरी मशीन्स कैसे काम करती हैं, या फिर चेन के ऊपर क्लिप या बॉल कैसे बनती है? जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि चेन के ऊपर में काफ़ी सारी बॉल्स और क्लिप बनी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, यही है वो मशीन जिस पे आप अपने सोने या चांदी की चेन पर बॉल और क्लिप्स बना सकते हैं। इस मशीन पे आप अलग अलग लेंथ की सेटिंग कर सकते हैं जिससे कि आपको अलग अलग डिज़ाइन की चेन बनके तैयार मिलेगी। ये है वो इलेक्ट्रिकल पैनल जो इस मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी है। इस पैनल के साथ आपको टच स्क्रीन मिलता है जिससे आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। रन मोड में आप मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। एडिट मोड में सही पासवर्ड डालकर बॉल लेंथ की MM में सेटिंग कर सकते हैं जिससे आप अलग अलग डिज़ाइन की चेन तैयार कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द पैनल लुक फ्रॉम इनसाइड। आप यहाँ स्लो मोशन में देख सकते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। अभी इस मशीन में एक साथ 3 बॉल बन रही हैं जो 4-4 mm की दूरी पर है। साथ ही 2 पेयर्स के बीच का गैप 15 mm है जो कि इलेक्ट्रिकल पैनल की टच स्क्रीन से सेट किया गया है। एक बार चेन बनाने के बाद आप उसे अपने मन चाहे साइज में कट कर सकते हैं और बाद में इसी चेन को अलग अलग तरह की ज्वेलरी डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी तरह के इलेक्ट्रिकल पैनल और ऑटोमेशन सॉल्यूशन के लिए योर ऑटोमेशन सिस्टम से संपर्क करें। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यार और लाइक से चैनल को सपोर्ट करें सो दैट हमें मोटिवेशन मिले और आपके दोस्त भी कुछ नया सीखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।